क्या फ्रेंड्स आपको भी मैसेज वाली लैंग्वेज और चैट वाली लैंग्वेज में इस तरह के वेरी शॉर्ट वर्ड्स के मीनिंग समझ नहीं आते जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं? तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैसेज वाली लैंग्वेज और चैट वाली लैंग्वेज में यूज़ होने वाले वेरी शॉर्ट वर्ड्स की मीनिंग। हाँ फ्रेंड्स, ये जो वेरी शॉर्ट वर्ड्स हैं जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, मैं इनको फुली एक्सप्लेन कराने वाला हूँ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सो गाइस, दिस इज मुजीब एंड यू आर वॉचिंग ट्रेजर ऑफ नॉलेज। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, TYSM। अक्सर आपने मैसेज में TYSM को लिखते हुए लोगों को देखा होगा, वो TYSM को व्हाट्सएप पर या चैटिंग में यूज़ करते हैं। तो जान लेते हैं आज इसके मीनिंग को कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, TYSM को यदि आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, और इसका मीनिंग यदि आप डिक्शनरी में भी सर्च करेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। पर मैं आपको बता दूँ, TYSM को अगर हम अलग अलग करके इसके मीनिंग को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। टी स्टैंड्स फॉर थैंक, वाई स्टैंड्स फॉर यू, और एस स्टैंड्स फॉर सो, और एम फॉर मच। तो ओवरऑल TYSM का मतलब हुआ थैंक यू सो मच। अब आपको समझ में आ गया होगा कि TYSM का मतलब क्या होता है। तो TYSM का अर्थ होता है थैंक यू सो मच, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भी आपको पूरा थैंक यू सो मच कहना हो तो आपको ये पूरा ना लिख के आप शॉर्ट में लिख सकते हैं TYSM, थैंक यू सो मच। ठीक है गाइस, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेंड बहुत ही कॉमन, OSM। OSM आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन OSM का आज हम अर्थ भी समझ लेते हैं कि OSM क्या है। अब आप ये मत सोचिएगा कि OSM को भी हम अलग अलग अर्थ निकालेंगे, O का अलग मतलब होगा, S का अलग होगा और M का अलग होगा। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग मैं आपको बता दूँ, OSM का मतलब होता है ऑसम। क्या होता है? ऑसम। और ऑसम को हिंदी में कहा जाता है शानदार या गजब का। जब भी आपको किसी से इस तरह से कुछ वर्ड यूज़ करना हो कि शानदार या गजब का, तो उसको आप इंग्लिश में ऑसम कह सकते हैं, और इस ऑसम को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं OSM। ठीक है, जिसको कहा जाता है ऑसम। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ऑसम। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपके सामने TTYL। जी हाँ, TTYL। तो इसको भी यदि आप मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसका अर्थ भी समझ में नहीं आएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, जिनको ये कॉमन वर्ड लग रहा है और जिनको इनके अर्थ पता है, तो वो अपने टाइम को वेस्ट ना करें, इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिन्होंने इसके मतलब नहीं पता, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वर्ड्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए हम बात कर रहे थे TTYL की। तो फिर TTYL का अलग अलग मतलब निकालेंगे। तो टी का मतलब होगा टॉक, और फिर दूसरे टी का मतलब होगा टू, और वाई मीन्स यू, और एल फॉर लेटर। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ टॉक टू यू लेटर। जी हाँ, TTYL जिसको कहा जाएगा टॉक टू यू लेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाद में बात करते हैं। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से कहना हो कि टॉक टू यू लेटर, इतनी बाद में बात करते हैं, तो आप उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं TTYL। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, डब्ल्यू फॉर यू। जी हाँ, डब्ल्यू फॉर यू। तो अक्सर आपने इस तरह से लिखते हुए लोगों को देखा होगा, डब्ल्यू फॉर यू। तो इसका मतलब भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। डब्ल्यू का मीन्स यहाँ पे होगा वेटिंग, और ये जो फॉर है तो इस फॉर को हम इंग्लिश में फॉर ही कहेंगे, लेकिन ये डिजिट वाला है, लेकिन इसको इंग्लिश में एफ ओ फॉर। और लास्ट में यू है, यू का मतलब आपको पता ही होगा, यू मीन्स यू वाई ओ यू। तो ओवरऑल डब्ल्यू फॉर यू का मतलब हुआ वेटिंग फॉर यू। जी हाँ, वेटिंग फॉर यू, इसको शॉर्ट में डब्ल्यू फॉर यू लिखते हैं, जिसका पूरा अर्थ होता है वेटिंग फॉर यू, और इसको हिंदी में कहा जाता है आपका इंतज़ार। जी हाँ, जब भी आपको किसी से ये कहना हो, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और किसी ने आपसे प्रॉमिस किया है कि इस टाइम आपसे बात करेंगे या जिस टाइम आपसे मिलेंगे, तो आप उसको डब्ल्यू फॉर यू लिख सकते हैं, इट मीन्स वेटिंग फॉर यू, जिसको हिंदी में कहा जाता है आपका इंतज़ार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, F9। जी हाँ, F9। तो F9 का कब यूज़ करना है? देखिए, आपने देखा होगा कि यदि आप किसी से हाउ आर यू कहते हैं और वो शॉर्ट में लिख देता है F9, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसने आंसर क्या दिया इस बंदे ने। तो हाउ आर यू का आंसर में यदि कोई F9 लिख रहा है तो फ्रेंड्स उसका मतलब हो रहा है यहाँ पे फाइन। जी हाँ, और फाइन को हिंदी में कहते हैं अच्छा या ठीक। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई हाउ आर यू कहता है और आप शॉर्ट में इस तरह के वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप F9 लिख सकते हैं, जिसका मतलब होगा फाइन। या फिर आपसे आप किसी को हाउ आर यू लिख रहे हैं और कोई फाइन F9 लिख रहा है, तो आप भी उसका अर्थ समझ जाएंगे कि F9 का मतलब होता है फाइन। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट, CU। जी हाँ, CU। तो चलिए हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला वाला C है, तो इस C का मतलब होगा SEE, और दूसरा U का मतलब होता है YOU, मतलब यू। CU, ये C की U का मतलब ये निकला है। तो CU मतलब SEE और YOU, यू CU। तो इस CU का मतलब होता है फिर मिलते हैं। जी हाँ, CU, फिर मिलते हैं। आपने कई बार लोगों को देखा होगा
सी यू को यूज़ करते हुए, तो सी यू को मतलब यहाँ पे होगा फिर मिलते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, एस वाई एस, जी हाँ एस वाई एस, तो एस वाई एस का अर्थ भी जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ एस वाई एस का मतलब क्या होता है। देखिए ये जो पहला वाला एस है इसका मतलब भी यहाँ पर निकलेगा सी, और वाइफ मीन्स यू, और इस दूसरा वाला जो लास्ट वाला जो एस है इसका मतलब होगा सून, या सी यू सून, तो सी यू सून, तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा जिसको हिंदी में कहा जाता है जल्द ही फिर मिलेंगे, जी हाँ जल्द ही मिलेंगे, तो सी यू सून, तो सून मतलब होता है जल्दी, तो यहाँ पर एस वाई एस का मतलब होगा सी यू सून, मतलब जल्दी फिर मिलेंगे, ठीक है। एक और वर्ड आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा आर आई पी, जी हाँ आर आई पी, इसको आपने बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आपने देखा होगा ट्विटर पे भी, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी लोगों को लिखते हुए आर आई पी रिप, तो आज इसका मतलब भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो आर आई पी है रिप, इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस, जी हाँ रेस्ट इन पीस, जिसका हिंदी में अर्थ निकलता है आत्मा को शांति मिले। तो ये कब यूज़ किया जाता है, यदि आपको किसी की डेथ की खबर मिल रही है और आपको पता चल रहा है कि किसी की डेथ हो गई और उस कंडीशन में आप अपने कंडोलेंस देना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं रेस्ट इन पीस, मतलब उसकी आत्मा को शांति मिले, जिसको शॉर्ट में आर आई पी रिप लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपने अक्सर देखा होगा, तो आज इसका अर्थ भी आप समझ चुके हैं। चलिए आज का लास्ट वर्ड भी मैं आपको बता दूं, लास्ट वर्ड है टी वाई, जी हाँ टी वाई, इससे पहले भी मैंने इसका यूज़ किया था तो आपको तब भी समझ में आ गया होगा, फिर आपको मैं बता दूं टी वाई का मतलब, तो टी स्टैंड फॉर थैंक, वाई स्टैंड फॉर यू, थैंक यू, इस थैंक यू को हिंदी में कहते हैं धन्यवाद, तो टी वाई को शॉर्ट में कहा जाता है थैंक यू, थैंक यू को शॉर्ट में कहा जाता है टी वाई, जिसका मतलब होता है धन्यवाद। तो फिर से ये थे कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड जो कि मैसेज में या चैट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले शॉर्ट वर्ड्स हैं, क्योंकि आजकल शॉर्ट वर्ड्स का टाइम है, लोग इस तरह के वर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं इनके सारे आपको अर्थ भी समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ फ्रेंड्स यदि आप अभी अभी हमारे चैनल पर आए हैं तो आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।